मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम मोतीगढ़ निवासी 21 वर्षीय युवक दीपेंद्र दीक्षित ने चारों धाम की यात्रा साइकिल से पूरी की। वह युवक के छतरपुर पहुंचने पर हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष पवन मिश्रा ने अभूतपूर्व स्वागत किया। पवन मिश्रा द्वारा बताया गया है कि हिंदुओं को जगाने के लिए दीपेंद्र ने चारों धाम की यात्रा साइकिल से पूरी की है, जो कि हमारे लिए गौरव की बात है। वहीं दीपेंद्र द्वारा बताया गया है कि भगवान बालाजी सरकार और बागेश्वर धाम की कृपा से लगभग 2500 किलोमीटर की यात्रा पूरे 35 दिनों में सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी यात्रा नौतपा की भीषण गर्मी में बागेश्वर धाम बालाजी सरकार के दरबार से शुरू की थी। दीपेंद्र द्वारा बताया गया है कि वह अपनी यात्रा रात्रि में तकरीबन 150 किलोमीटर प्रतिदिन तय किया करते थे। उन्होंने कहा कि भारत देश के हिंदुओं को जगाने के लिए यह चारों धाम की यात्रा पूरी की है। कुल मिलाकर वर्तमान समय में एक नव युवक का सनातन धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा और समर्पण देखते ही बनता है। आइए आपको बताते हैं कि इस अवसर पर क्या कुछ बोले 21 वर्षीय नव युवक दीपेंद्र दीक्षित अपनी यात्रा को लेकर। हमारा नाम दीपेंद्र दीक्षित है, ग्राम मोतीगढ़, जिला छतरपुर से हम। हमने बागेश्वर धाम से केदारनाथ के चार धाम की यात्रा की है। हमने सपने में देखा कि हम साइकिल चार धाम की यात्रा कर रहे हैं पैदल। सपने में देखा था, तो हमने घर वालों से कहा कि हमको पैदल चार धाम की यात्रा करनी है। बोले नहीं, तुमको पैदल साइकिल पैदल नहीं करनी यात्रा, तुम किसी वाहन आहन से जाओ। तो हमने कहा ठीक है, बोले तुम साइकिल से जाओ। तो फिर हमने जैसे उन्होंने साइकिल का नाम लिया, तो हम छतरपुर जिले आए। सबसे पहले हमने साइकिल ली, इसके बाद हमने बागेश्वर धाम से साइकिल की चार धाम की यात्रा की। हमारा सबसे पहले आप देखो आगे लिखा है इसमें हिंदू जागो, तो आप आज आपने देखा होगा कि किसी मुस्लिम भाइयों की लड़ाई अपने हिंदू से लड़ाई हो जाती है, तो अगर एक की लड़ाई होती तो भाई वो 10-20 इकट्ठा हो जाते हैं। हमने इस आंखों से देखा है, ये हमने देखा है, स्वयं देखा है। तो हम सभी हिंदू भाइयों को, हमारे जो 21 साल की युवा भाई हैं, 21 से 25 साल की युवा भाई, हम सबको इकट्ठा करना चाहते हैं। और यही हमारा आपके लिए लक्ष्य है, सबके लिए, कि सब लोग यही करें। अच्छा, हमारी यात्रा 35 दिन में रही, हमारी यात्रा चार धाम की 25 किलोमीटर का सफर रहा हमारा, 2500 किलोमीटर का। अरे हमारी मुश्किल बहुत कठिनाई रही हमारे पास भाई। हम यहाँ से जिला जालौन में से गए हैं, उरई जालौन में से, तो यहाँ से हमको कुछ ड्रिंक करने वाले लोग मिले, तो वहाँ उनने हमको छेंका भी रात के, क्योंकि हम रात के सफर करते थे। क्या कि जब यहाँ से गए थे तो नौतपा लगे हुए थे, तो हम रात के सफर करते थे और दिन के भी करते थे, बल्कि रात के ज्यादा सफर करते थे। इसके बाद वो रात के हमको 12 के करीब मिले हैं, तो उन्होंने हमको छेंका है, बोले पैसे चाहिए भाई, हम चार धाम की यात्रा कर रहे हैं, तो पैसे तो हम साइकिल से जा रहे, पैसे तो बहुत लें नहीं, ज्यादा नहीं लेते। तो जितना पैसा हमारे जीव में डला था हमने उनको दे दिया। हमने यहाँ से छूटना, किसी अगर जंगल में फंस जाओ तो छूटना पड़ता है, तो हमने कहा यहाँ से निकल जाओ। इसके पास पहुंचे हम हरिद्वार, हरिद्वार में हमारी 8 दिन में हरिद्वार पहुंच गए, और इसके बाद फिर हम केदारनाथ गए। खाना पीना का मैसेज जब जहाँ जाता था तो होटल में रुकता था, क्योंकि भाई यहाँ पर कोई मतलब मंदिर अंदर कहाँ मिलते थे, हाईवे से जाता था तो मंदिर नहीं, होटल मिल जाते थे तो वहीं रुक जाते थे, वहीं खाना पीना खा लेते, जितना होता तो वहीं कर लेते। हिंदू उत्सव समिति में आज बहुत भव्य स्वागत हुआ है, पवन भैया द्वारा बहुत भव्य स्वागत किया गया। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट।